अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? तबीयत से ठीक है? क्या हो रहा है? वही सबक, पहले एक चीज़ को कायम करें, फिर दूसरी, फिर तीसरी। ठीक है, सब्र तहम्मल मुस्तकिल मजाजी, और जो करें उसको सुथरा करके करें। तो जनाब, ये जो एक फील्ड है, मुख्तलिफ किस्म के लोग मेरे से टच होते हैं, जिनमें मेल भी हैं और फीमेल भी, पाकिस्तान से, इंडिया से, मुख्तलिफ कंट्री से। तो बार बार मैं एक बात करने की कोशिश करता हूँ समझाने की, कि खुदारा जो इस इलम को नहीं जानते, कीमियागरी को, इस फन को नहीं समझते, वो ये समझे, ये ना समझे कि ये दो चुटकियों का काम है। जो लोग ये कहते हैं दो छुटकियों का काम कर लें, वो झूठ है, वो गलत है। साल हा साल लगता है किसी भी काम को मुकम्मल करने के लिए, किसी इलम को सीखने के लिए। ये सबसे टफ और मुश्किल एक इलम है, ये आम बंदे का फेल नहीं है। ये कीमियागरों का काम है, सन्यासियों का काम है, हुकुमा का काम है, जो कुश्ता साजी का काम करते हैं, जिनको इस अमल का पता है कि आग कैसे देनी है, तशबिया कैसे देना है, नियारा कैसे करना है, चरख कैसे देना है, और किसी भी चीज़ की तबीयत को समझते हैं, गुनशादर क्या है, गंधक क्या है, काफूर क्या है, फास क्या है, जो समझते ही नहीं है, वो इधर ना आए, वो इस फील्ड को इख्तियार ना करे, वो पैसे ज़ाया करेगा। ठीक है, तो बार बार मेरे कहने का मकसद तुम्हारी हमदर्दी है। जो मेरी बात को समझ जाएगा, ठीक है, जो नहीं समझता वो उसकी अपनी ज़ाती मर्जी है। जनाब, ऐसा करें, नुशादर कैम ले लें, ठीक है, चूने से हो जाता है और सदफ सादक से हो जाता है, वो बेहतरीन बनता है। फिर दोहराता हूँ, सदफ सादक एक पाव आपने नुशादर लेना है, दोनों को खरल कर लें अच्छे तरीके से। खरल करने के बाद गिल हिकमत करके बंद आग दे दें 10-12 किलो की, 15 किलो तक आग दे सकते हैं। ठीक है, अब इसको निकाल लें। निकालने के बाद इसको शाम को किसी शाम को बाहर रख दें। ठीक है, उठा लें, दिन के धूप के में ना रखें, फिर इसको अंदर रख दें, फिर बाहर रख दें। ये 4-5 दिन के बाद, हफ्ते के बाद, खुद ब खुद जो नुशादर है वो तेल होना शुरू हो जाएगा। और इसको किसी शीशी में डाल लें, बंद कर लें, यह नुशादर का तेल है। ये ले लें और गंधक ले लें, नुशादर का तेल और गंधक बावजन। नुशादर के तेल को आग पर रखें, इस गंधक की चुटकियां दें, ठीक है, बराबर वजन, और इसको आग पर रखकर तशबिया दें। ये नुशादर का तेल था, इसने आपकी गंधक को भी तेल कर दिया है। रस्कपुर में बता चुका हूँ कई दफ़ा, ठीक है, नीला में बता चुका हूँ कई दफ़ा, एक रत्ती रस्कपुर के इसमें डाल दें, जो कायम जा रही है, दाल चिकना के डाल दें और इसमें नीला की एक रत्ती डालनी है, और बस। अब इसको तशवीया दें, नीचे उतारें और जहाँ से चंद कतरे पारे पे डालें और उसको तशवीया दें, ये पारे को भी कुश्ता कर देगा, कायम कर देगा। अगर वो मेटल की शक्ल में है तो भी ठीक है, अगर पाउडर हो गया है तो भी ठीक है, अपनी फुसत के मुताबिक, इलम के मुताबिक इस पारे से आप काम ले सकते हैं। ये चीज़ को करें और इससे फ़ायदा उठाएं, ठीक है। दूसरी बात, अन करीब मैं आपसे बराए रास्त लाइव बैठने जा रहा हूँ, ठीक है, ब्लड कैंसर के मतलब मेरी तशखीस पूरी हो चुकी है। जो ब्लड कैंसर है, लीवर का कैंसर है, ब्रेन का है, किडनीज का है, जो भी बॉडीज़ के अंदर कैंसर है, कोई भी कंडीशन है, इंशाल्लाह 1-2 महीने के अंदर वो मरीज़ कवर हो जाएगा, इंशाल्लाह। शुगर पे भी रिसर्च हो रही है, ठीक है, और लीवर के जो फंक्शन है उस पर भी रिसर्च हो रही है, मेडिसिन तैयार हो रही हैं, यानी कोई 8-10 बीमारियाँ ऐसी हैं जो ला इलाज हैं, इंशाल्लाह उन पे कंट्रोल हो जाएगा और मैं उसका इलाज प्रॉपर करूँगा, ठीक है। ब्लड कैंसर इंशाल्लाह, उसकी तशखीस भी है नब्ज़ के ज़रिए, ये किस मजाज में होता है, इसका इलाज क्या है,
अब मैंने लाइव बैठना है, अनकरी बैठ रहा हूँ, आप सबको पता चल जाएगा कि मैं लाइव बैठ रहा हूँ। तो फिर डायरेक्टली आपकी आपकी जो है हिकमत के मतलब सवाल जवाब हैं, सवाल हैं मैं उसके जवाब दूंगा, जो कीमिया करी के मतलब हैं, सन्यास के मतलब हैं, ठीक है, उसका मुकम्मल मैं आपके साथ तावन करूँगा, उसका जवाब मिलेगा आपको जो भी आपका सवाल होगा। और जो मरीज़ हैं मेरे साथ टच होंगे और उनका इलाज किया जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है जी। ये बनाएं पहले नौशाद्रक का तेल, फिर गंधक का, फिर उसको लेकर आगे चलें। रब रखा।